नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा प्रीति। तो दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब वक्त हो चुका है देश और विदेश की अहम खबरों का। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस नेता ने एजेंसी को बताया कि यंग इंडियन से एक पैसा भी नहीं निकाला गया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से तीसरे दिन भी पूछताछ की जा रही है। आदित्य ठाकरे ने अयोध्या को आस्था की नगरी बताते हुए कहा कि शिवसेना ने 2018 में ये नारा दिया था कि पहले मंदिर फिर सरकार, और इस नारे के बाद ही रामनगरी अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक महीने में दूसरी बार 18 जून को गुजरात दौरे पर जाएंगे। उनका ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन उनकी माँ हीराबेन मोदी का 100वां जन्मदिन है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित की गई अग्निपथ योजना का विपक्षी दल और युवा विरोध कर रहे हैं। हालांकि इस योजना को पूर्व आर्मी चीफ जनरल वीपी मलिक ने कहा कि यह योजना सोशल इकोनॉमिक और लड़ाई लड़ने में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हिसाब से अनुरूप बनाई गई है। गुरुग्राम पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पुलिस को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में है, इसी वजह से उसने उसके नाम की रंगदारी मांगी। सीएनजी से गाड़ी चलाने वालों को अब वीआईपी सुविधा मिलने जा रही है। चाहे दिन हो या रात, किसी भी समय महज एक कॉल करने पर अब सीएनजी पंप आपके घर आके सीएनजी भरने वाला है। भारत के पहले प्राइवेट ट्रेन सर्विस की शुरुआत बुधवार को हो गई। 14 जून को कोयम्बटूर से भारत गौरव स्कीम के तहत इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। पैगंबर विवाद में हुई बजरंग दल की एंट्री, 16 जून को कार्यकर्ता करेंगे राष्ट्रव्यापी आंदोलन, राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। आईसीसी रैंकिंग में इमाम उल हक पहुंचे विराट कोहली से ऊपर, जबकि पहले स्थान पर अभी भी बाबर आजम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और अन्य के साथ खाद्य सुरक्षा संकट और सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए अगले महीने एक आभासी शिखर सम्मेलन I2U2 में भाग लेंगे। तो देश विदेश की मुख्य खबरों में आज के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।